हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी हम आपको बताएंगे, और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाएगा आप ये भी सीखोगे। ये आईआईटी एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन देखने के बाद ना आपको रिएजेंट के बारे में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको कभी भी सोडियम इन लिक्विड अमोनिया दिया हो तो हमेशा इसका फंक्शन क्या होता है, ये करता है हमेशा एल्काइन अगर गिवेन होता है तो उसको ट्रांस एल्कीन में चेंज कर देता है। तो आप देखिए, सबस्ट्रेट है आपके पास, एक सबस्ट्रेट है, यहाँ पे आपको एल्काइन दिख रहा है, एल्काइन, ठीक है ना। तो ये एल्काइन है और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया है, तो इस एल्काइन वाले पार्ट को ये क्या कर देता है, ये ट्रांस एल्कीन में चेंज कर देता है। तो आप देखो सिंपली क्या करना था, पहला स्टेप तो बहुत ही आसान था। देखिए पहला स्टेप यहाँ पे, अगर आपको डाउट है नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, हमें 3 और 4 को एल्कीन में चेंज करके ट्रांसपोजिशन में उसको बदलना है, ठीक है। तो देखो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे मान लो ट्रांस में बनाना है, ट्रांस मतलब एक ग्रुप ऊपर हो एक ग्रुप नीचे हो। तो देखो कुछ ऐसे 1 2 3 4 5, तो देखो 3 और 4 था, 3 और 4 पे हमने एल्कीन बना दिया, हाँ भाई बना दिया, और ये ट्रांसपोजिशन पे है, देखो ये वाला ग्रुप ऊपर है ये वाला नीचे है ना, तो ये ट्रांस है। ट्रांस मतलब समझते हो ना, कभी भी कभी ये ऐसे ये ट्रांस है, और अगर एक ही साइड होता है ऐसे तो ये सिस है, ठीक है। तो अब देखो अगली स्टेप में क्या गिवेन था आपको, अगली स्टेप में गिवेन था Br2 गिवेन था, ठीक है, एक्सेस में गिवेन था, तो मतलब इसको कई बार ले सकते हो आप। तो ये क्या करेगा डियर, ये एल्कीन को जहाँ पे ये एल्कीन होगा वहाँ पे जाके एंटी पोजीशन पे 2 Br लग जाएगा। तो देखो एक एल्कीन यहाँ पे है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, और एक एल्कीन यहाँ पे है, तो जस्ट ये वाला ग्रुप क्या करेगा, देखो ये वाला ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। एक Br को हमने यहाँ पे लगा दिया, एक Br को हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टीरियो का उतना रोल नहीं है, लेकिन अगर स्टीरियो की बात आती तो एक वेज पे होता है एक डैश पे होता है एंटी पोजीशन में, सो दैट स्टेरिक ना क्रिएट करें, ठीक है। और देखो दूसरे Br को हम यहाँ पे एल्कीन था तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक Br को यहाँ जोड़ देते हैं, एक को ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है ना। आप ये नहीं कन्फ्यूज होना सर इसको ऊपर नीचे किए हो, इसको एक में ही किए हो, हमने बता दिए ये दोनों एंटी पोजीशन पे होते हैं, ठीक है ना, अगर स्टीरियो पूछता तो, पर ये मैटर नहीं करता यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो अगली स्टेप में क्या गिवन था, अगली स्टेप में हमको कराना था एलिमिनेशन। देखो क्या गिवन था, एल्कोहलिक KVH गिवन था, तो यह एक बेस है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या करेगा, इस बेस का काम है मोस्ट SDKH प्लस लेना है ना। तो अब H प्लस देखो कहाँ पे है, अब H प्लस ये दिख रहा है, ये हाइड्रोजन दिख रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमको यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अब ये बेस क्या करेगा ना, एल्कोहलिक बेस क्या करेगा, ये सभी हाइड्रोजन को ले लेगा, बेस का काम है लेना, जैसे अगर ये इसको लेता है तो ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड ये एलिमिनेशन हो जाएगा, मतलब Br लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर, ये बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा, ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन को ये एल्कोहलिक KVH खा लेगा, मतलब जितने भी हाइड्रोजन है। इसी तरीके से ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ आएगा, ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड आ रहे हैं, एक यहाँ आ रहा है, 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 तो हम उसको बना लेते हैं डबल बॉन्ड को, फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो हमने एक डबल बॉन्ड को यहाँ बना लिए, ये वाला एक को यहाँ बना लेते हैं भाई, ठीक है, और बाकी जैसे था एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ बना लिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ आता है तो हमने यहाँ पर भी बना लिया, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन इन प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट बना है उसमें बोला था आइसोमेरिक टेट्राइन कितना है, तो आइसोमेरिक से मतलब हुआ या तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है ना, जो टेट्राइन है। तो देखो यहाँ पे इस रिंग में तो भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। आप कहोगे सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं बात कौन सी आप बता दी, तो डियर ज्योमेट्रिकल अगर हम थोड़ा सा आइडिया दें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर आपके पास कोई एल्कीन है
तो वो शो करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन होना आवश्यक है। सी डी, जैसे मान लो ये एल्कीन है तो ए नॉट इक्वल टू बी, ये डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ये डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ये सिंपल केस है। लेकिन अगर आपके पास कोई मान लीजिए एल्कीन है रिंग के अंदर, मान लीजिए मेरे पास एक एल्कीन है रिंग के अंदर, तो एल्कीन है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा जब तक यह सात मेंबर रिंग होगा। आप इस चीज़ को याद रख लेना, एल्कीन अगर रिंग के अंदर है तो जब तक सात मेंबर रिंग है, साइक्लिक रिंग है, तब तक वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ही आठ मेंबर हुआ, नौ हुआ, दस हुआ ना, इससे ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने लगते हैं। तो इस केस में हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ रिंग भी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है नहीं, और काइरल सेंटर तो दिख नहीं रहा, तो इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तो बात ही नहीं है। यहाँ पे देखो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये डबल बॉन्ड देखो, ये तो भाई ग्रुप ही सेम हो गया, हमने कंडीशन क्या बोला ज्योमेट्रिकल के लिए, डिफरेंट ग्रुप, तो ये तो भाई सेम हो गया, तो आगे तो बात ही नहीं बनती। यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, हाँ यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये डबल बॉन्ड। देखो ये अलग ग्रुप हुआ, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, तो देखो इस डबल बॉन्ड के करिस्पॉन्डिंग चार डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये वाला शो करेगा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा डियर, तो हर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक सिस फॉर्म होता है, एक ट्रांसफॉर्म होता है। कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर शो करता है, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, तो एक इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिट करेगा, एक सिस फॉर्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमेशा सिस और ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब दो फॉर्म आएंगे, एक सिस एक ट्रांस आएगा। तो देखिए नंबर ऑफ आइसोमेरिक ट्रिट्राइसिन प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, दो हो जाएगा। कौन सा आइसोमेरिज्म, वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन से डबल बॉन्ड की करिस्पॉन्डिंग, ये डबल बॉन्ड की करिस्पॉन्डिंग, ठीक है। और टेट्राइन, टेट्राइन ये दिया हुआ है ना, टेट्राइन टेट्राइन, तो ये इन मतलब डबल बॉन्ड। तो हमेशा आप याद रख लेना, कभी भी आपसे ऐसा पूछता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, तो हमेशा देखा करो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और अगर हो गई तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमेशा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक सिस एक ट्रांस, तो यहाँ पे दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर कुछ आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी थैंक यू।